अगला फाइलम हमारा है नेमाटोडा। नेमाटोडा इस समुदाय के जो जंतु होते हैं उनका शरीर लंबा होता है, बेलनाकार होता है, सिरों पर नुकीला होता है, इसलिए इनको जब ये बेलनाकार होते हैं तो इसलिए इसको कहा जाता है गोल कृमि, कहा भी कहा जाता है। ये त्रिस्तरीय जंतु होते हैं, जैसे हमने कहा भी त्रिकोणिक की बात आई थी, तो त्रिस्तरीय जंतु होते हैं, कोशिकीय ऊतक जो है तीन कोशिकीय स्तरों का बना रहता है। इनका शरीर अखंडित तथा क्यूटिकल के चमकदार आवरण से घिरा रहता है। वास्तविक देहगुहा इनमें नहीं होती है। आहार नाल प्रायः नलिकाकार एवं सीधी होती है। इसमें श्वसन और परिसंचरण तंत्र का भी इसमें अभाव होता है निमेटोडा में। नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसमें निषेचन इनका आंतरिक होता है। ये जंतु अधिकांशतः परजीवी होते हैं, एस्केरिस और पिनवॉर्म या पिनकृमि इसके उदाहरण है। देखो यहाँ पर एक चित्र हमने बना रखा है इसका, ये एस्केरिस का। ये मादा है, देखो ये नर है। मादा जो है बड़ी होती है और नर जो है उसका छोटा होता है। तो ये संघ निमेटोडा के जंतु की संरचना है। अब आ जाते हैं एनिडिडा में। एनिडिडा फाइलम एनिडिडा, इस समुदाय के जंतु देखो लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, पतले होते हैं, कोमल होते हैं और शरीर खंडों में विभक्त रहता है। इनका पूरा शरीर जो है खंडों में विभक्त रहता है। ये द्विपार्श्व सममिति वाले होते हैं, त्रिकोरिकी होते हैं। ये भी देहभित्ति इनकी मांसल होती है, लचीली होती है और संकुचनशील होती है। शरीर जो है इनका क्यूटिकल के आवरण से जो है ढका रहता है। इनका रुधिर जो है लाल रंग का होता है, क्योंकि रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस कारण इनका रक्त जो है लाल होता है। लेकिन रक्त जो है प्लाज्मा में घुला रहता है। इन जंतुओं के अंदर एक विशेष प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं जिन्हें उत्सर्जिकाएं कहा जाता है या नेफ्रिडिया इनको कहा जाता है। ये उत्सर्जी अंग हैं इसके, यानी शरीर से बेकार के पदार्थों को निकालने के लिए अंग प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसको नेफ्रिडिया कहा जाता है। प्रचलन अंग जो है इसकी सीटी, जो इसके खंड युक्त जो शरीर है उसको सीटी कहा जाता है। चूसक यानी चूसक को कहीं पर लगा करके ये अपने शरीर को आगे को खसका सकता है, या पैरापोडिया जो हैं वो इसके होते हैं। ये द्विलिंगी जंतु हैं। केचुआ जोंक जो है इस फाइलम के जंतु हैं। एंड ये देखो यहाँ पर हमने एक केचुए का चित्र आपको बना रखा है, जो पूरा शरीर जो है खंड युक्त है, पूरे शरीर जो है बटा हुआ है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।